हेलो एवरीवन, क्या आपकी स्किन भी ड्राई है और मेकअप करने से पहले आप डरते हो कि आपकी स्किन पर डार्क पैचेस ना जाए? मेकअप अच्छे से ब्लेंड कैसे होगा? कौन सा स्किन आपकी कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बना है? कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज करना चाहिए? फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लशर, हाइलाइटर, ऑल चीज़ें, एंड कैसे आपको अपनी ड्राई स्किन पर आप सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, कैसे यूज करोगे, क्या करना चाहिए, कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज मेरे चैनल पर डे बाय डे आती रहती है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज हैं। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिनकी भी ड्राई स्किन है और उनको कन्फ्यूजन होता है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर लेना चाहिए, कौन सा हाइलाइटर, ब्लशर, फाउंडेशन, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। और कितना अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, आपकी स्किन स्किन केयर रूटीन कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें तो देख लीजिए वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे ड्राई स्किन पे मेकअप कैसे करना चाहिए और ड्राई स्किन पे मेकअप आप किस तरीके से करोगे तो आपका स्किन भी ख़राब नहीं होगा, आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ज़्यादा आपका स्किन मतलब ड्राई स्किन पे किस टाइप का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ऑल चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इस वीडियो में और सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इस तरीके से मैंने बालों को ऊपर कर लिया है ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो मेकअप करते टाइम। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमारा मेकअप काला क्यों पड़ जाता है, ग्रे क्यों पड़ जाता है, एंड ड्राई स्किन पे अक्सर मेकअप पैची सा दिखने लगता है, बहुत ड्राई दिखने लगता है, इनके क्या क्या कारण हैं, कैसे आप यूज़ करते हो तो आपको इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो लाइक कर दिया होगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरी भी स्किन ड्राई है तो मैं आज आप लोगों को ड्राई स्किन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगी एंड किस तरीके से आप अपने ड्राई स्किन पे मेकअप करके अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोइंग दिखा सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा मेकअप का, वो होता है CTM, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिंजिंग मतलब सी, हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करना। सेकेंड स्टेप है टोनिंग एंड थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। इसके बिना आपका स्किन जो होता है वो अच्छे से रेडी नहीं होता है मेकअप के लिए। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं ड्राई स्किन वालों को, एंड ऑल स्किन टाइप जो भी मेकअप कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। तो चलिए स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। फिर मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स ले रही हूँ। आप कोई अच्छा सा फेस वॉश भी लेके क्लीन कर सकते हो और जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लोगे। वेट वाइप को लेके ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से इसको होल्ड कर लेना है एंड अपने फिंगर पे इस तरीके से लपेट लेना है एंड अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा डर्ट होता है तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लीन करना है। पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो आप इसका वेट पाइप का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान कर दे। तो आप नॉर्मली अपने कोई फेस वॉश से या फिर पानी से वॉश कर लीजिएगा या क्लिंजिंग मिल्क से यूज़ कर लीजिएगा, बट इतना ज़्यादा ये नहीं है। बट बहुत एक्सेस आपका स्किन अगर एक्सेस सेंसिटिव है तो आप मत यूज़ कीजिएगा, अगर आप कर सकते हो। यहाँ से मैंने वेट वाइप से अपने स्किन को अच्छे से क्लीन किया है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है टोनिंग का। टोनिंग के लिए आप कोई अच्छा सा टोनर अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, नहीं तो आप ले सकते हो गुलाब जल भी। मैं ज़्यादातर गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ। ये गुलाब जल है साहिबा का गुलाब जल, इसको मैंने दुकान से लिया था। ये 40 रुपये का इतना बड़ा मिला है मुझे, 150 मिलीलीटर। तो अच्छे से हमने फेस पे टोनिंग कर ली है। टोनिंग करने के बाद इसको आप किसी चीज़ से पोंछिए मत एंड टैप भी मत कीजिए। आप इसको नॉर्मली सूखने दीजिए, ऐसे ही थोड़ी देर 5 मिनट का टाइम दीजिए ताकि आपके जो पोर्स हैं उसमें जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाए और जब आप मेकअप करो तो मेकअप आपके पोर्स में ना जाए और मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग बने। इसको अच्छे से अब्जॉर्ब होने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा मॉइस्चराइजिंग का। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए वैसलीन हेल्दी ब्राइटनिंग
मॉइस्चराइजिंग यूज़ करती हूँ। इससे अगर आपकी स्किन पे पिगमेंट है, काफ़ी दिक्कतें हैं आपके फेस पे, तो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। एंड इसको मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने जिसको भी दिया है सबके फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो दिखता है, तो आप इसको ले सकते हो। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ओके, स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉइस्चराइजिंग आता है। मॉइस्चराइजर आप सोचोगे कि मेरा स्किन तो ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। आपका स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सभी को मॉइस्चराइजर लगाने हैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा प्राइमर का। तो आपने सोचा कि मैंने मॉइस्चराइजर लगा ही लिया, अब प्राइमर की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड ड्राई स्किन के लिए जरूरी है। लेकिन प्राइमर मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमर हमारे स्किन के पोर्स में जाके अपने स्किन के पोर्स को लॉक करता है। एंड उसके बाद जो आप मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो वो बहुत स्मूथली अप्लाई होता है एंड आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो आपको प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको मेकअप कितना भी आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, कुछ भी किया है, आपको प्राइमर लगाना ही लगाना है, ताकि आपका जो ओपन पोर्स है वो लॉक हो सके और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो इतना सा मैंने प्राइमर लिया है। प्राइमर को डायरेक्ट लगाने के बजाय आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से रब करके गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप इसको लगाते हो तो ये इजीली आपके पोर्स में चला जाता है और आपके पोर्स को लॉक कर देता है। तो ये सारे स्टेप थे मेकअप से पहले करने के। अगर आपका मेकअप काला पड़ता है, आपकी स्किन ड्राई है और आपको डर लगता है, आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको डर लगता है कि आप मेकअप कैसे करो, तो ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड ड्राई स्किन के लिए जो आप फाउंडेशन का चूज़ करोगे वो थोड़ा सा स्टिकी सा होना चाहिए। ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए अलग अलग फाउंडेशन आते हैं। ड्राई स्किन के लिए थोड़ा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन आते हैं एंड ऑयली स्किन के लिए आप मैट फिनिश वाला ले सकते हो। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका स्किन टाइप क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये देखिए, ये जैसे ऑयली स्किन होती है तो ये फाउंडेशन जो है वो बहने लग जाता है, उस टाइप का फाउंडेशन आपको लेना है। लेकिन ये एक जगह पे टिका हुआ है, मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए इस तरीके का फाउंडेशन लेना। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और मेकअप को आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। मेकअप को कभी भी टैप टैप करके ही ब्लेंड करना है, ना कि रब करना है। तो ड्राई स्किन के लिए ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी। मेकअप करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ड्राई स्किन पे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि लिक्विड बेस वाली चीज़ें यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप पाउडर बेस में यूज करोगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हाइड्रेटिंग चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब नहीं होती है और आपका स्किन ग्लो करता है। तो देखिए, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज कुछ भी नहीं लिया है और इजीली मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो गया है और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई किया है। इस तरीके से आपको ड्राई स्किन पे फाउंडेशन का चूज़ करना है, कैसे आपको फाउंडेशन लेना है। और जब मॉइस्चराइजर ले रहे हो, मॉइस्चराइजर भी ध्यान दीजिए, आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है, जेल बेस नहीं लेना है। जेल बेस ऑयली स्किन के लिए होता है, क्रीम बेस ड्राई स्किन के लिए होता है। ज़्यादा स्टिकी जो होते हैं, ज़्यादा ऑयल निकलता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है, और जो जेल बेस होते हैं, पानी टाइप के होते हैं, वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर का चूज़ करोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर का। इस तरीके का लिक्विड बेस में आपको कंसीलर थोड़ा सा लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। कई बार हमारा माउथ का एरिया ब्लैक दिखता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे कंसीलिंग नहीं करते हैं। इसको भी मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। ऊपर नीचे मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया, नोज पे ब्लेंड कर दिया।
इस तरीके से आप ड्राई स्किन पे आपको मेकअप करना है। लिक्विड बेस्ड चीज़ें यूज़ करेंगे आप और ना कि पाउडर बेस वाली। अब हमारे पास हाइलाइटर है, पाउडर बेस में भी है, बट हम लोग पाउडर बेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी फेस जो है वो ड्राई है, तो ड्राई स्किन के लिए हमको लिक्विड बेस वाला हाइलाइटर ब्लशर सब कुछ यूज़ करना है। अगर आपको आपके पास लिक्विड ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक का भी यूज कर सकते हैं। ब्लश लगाना मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, मैं मेकअप करूँ ना करूँ मैं ब्लश ज़रूर लगाती हूँ। इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, एब्जॉर्ब होने देंगे स्किन में। एंड हाइलाइटर के लिए भी आप लिक्विड बेस में यूज़ कीजिएगा अगर है तो, नहीं है तो आप पाउडर बेस में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी जितना प्रोसेस होना था वो हो चुका है। अब हम लोग अपने फेस को पूरा सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, लूज़ पाउडर भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। लूज़ पाउडर जो होता है वो पाउडर बेस में आता है जो स्किन पे बहुत ज़्यादा रह जाता है, तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है, लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करना है क्योंकि लूज़ पाउडर आपकी स्किन पे ऐसे रखते हो बाद में झाड़ना होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो सकती है। आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और आपके मेकअप को बस सेट कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि जो आपका ऑयल दिख रहा है आपके फेस पे वो एब्जॉर्ब हो जाए पाउडर के साथ और अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है और आप किसी को जानते हो जिसकी स्किन ड्राई है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। इससे पहले मैं हाइलाइटर लगा लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कंटूर वगैरह यूज़ नहीं किया है क्योंकि डे पार्टी का मेकअप है एंड कंटूर वगैरह से थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है, इस वजह से। अगर आप कंटूर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा पिगमेंट है, ज़्यादा दिक्कत है, तो आप कंटूर यूज़ कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, इसको मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर ब्रश ना हो तो ब्रश को इस तरीके से पकड़ो और यहाँ पे हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है तो मैं यूज़ करती हूँ। इस तरीके से आपको हाइलाइटर लगा लेना है। आईज पे मेकअप अगर नहीं करना है तो आप सिंपली हाइलाइटर से इस तरीके से लगा दीजिए और मेकअप करने की आपको कोई जरूरत नहीं, अपने ड्रेस से मैचिंग कलर लेके आप मिडल पे लगा दोगे बस हो गया, अगर आपको हाइलाइटर सॉरी आई मेकअप नहीं करना है। मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। तो ये है मेकअप का फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो, देख रहे हो आप लोग कि कितना ज़्यादा फेस शाइन कर रहा है और ड्राई स्किन पे जो जो स्टेप बताए हैं सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका जो मेकअप होगा वो तो लॉन्ग लास्टिंग होगा ही, काला तो पड़ेगा नहीं, साथ के साथ आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी और काफ़ी अच्छे से मैनेज रहेगी आपकी स्किन। एंड आप अगर आपके पास कोई अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं है, आपकी स्किन ड्राई है, तो आप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो कोकोनट ऑयल या थोड़ा सा वैसलिन जेली, उससे आपका जो स्किन है बहुत अच्छे से हाइड्रेट होगी, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होगी और आपका जो मेकअप होगा वो भी काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होगा। तो आपको आज का टिप्स एंड ट्रिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट रहेगा हो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। बाय बाय। हाँ, आई लैसेज लगाते टाइम अगर आपको कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है कुछ, तो उस पर डिटेल वीडियो डाल दी है। बिगिनर्स हैं, बिल्कुल भी आई लैसेज लगाने नहीं आता है, वो वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। आईलेस लगाने में जिसको भी प्रॉब्लम आती है वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय बाय। गाइस, ये है मेरा फाइनल
लुक ड्राई मेकअप पे, अगर आपको भी मेकअप करते टाइम दिक्कत आती है, ड्राई मेकअप है, डार्क पैचेस आ जाते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन, मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता है, या फिर आपको डर लगता है कि आपका मेकअप कहीं काला ना पड़ जाए, फट ना जाए, आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए, आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, आपको कैसे फाउंडेशन मॉइस्चराइजर का यूज करना है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा प्रीति वाले चैनल पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिसकी भी ड्राई स्किन है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।